नमस्कार, स्वागत है आप सबका सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आज हम बात करेंगे लॉ में करियर संवारने की। मौजूदा वक्त में लॉ ग्रेजुएट के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। ये एडवोकेट के रूप में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अलावा किसी कॉरपोरेट फर्म में भी काम कर सकते हैं। इसी तरह राज्यों के लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा परीक्षा को पास करके जज भी बन सकते हैं। अगर आप भी लॉ में इंटरेस्टेड हैं, लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे शो में हिस्सा ले सकते हैं। स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, हम आपके जवाब दिलवाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान शो में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 12वीं पास करने के बाद छात्रों के सामने लॉ में भी करियर बनाने का एक बेहतर मौका है। बीते कुछ सालों में युवाओं के बीच लॉ का क्रेज बढ़ा है। चुनौतियों से भरा होने के बावजूद ये पेशा करियर की नजर से एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें दाखिले के लिए क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करना होता है। इसके बाद लॉ के इंटीग्रेटेड LLB और LLM कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट एग्जाम में 2 घंटे में 200 सवालों के जवाब देने होते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम में लॉ जनरल नॉलेज से 50-50, रीजनिंग इंग्लिश से 40-40, मैथ से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए वक्त रहते तैयारी बहुत जरूरी है। क्लैट के लिए टिप्स: क्लैट सिलेबस आधारित मॉक टेस्ट में जरूर शामिल हो। कॉन्फिडेंस वाले सवाल पहले सॉल्व करें। जिन सवालों में कंफ्यूजन हो उनको छोड़ दें। सभी सवालों को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। अखबारों और करंट अफेयर्स पर ध्यान रखें। बीते 5 साल में लीगल प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। वही कई नए क्षेत्रों में लॉ का दखल बढ़ने से इसमें करियर ऑप्शंस और बढ़े हैं। लॉ में करियर: एडवोकेट, जज, कॉर्पोरेट लॉयर, पब्लिक लॉ ऑफिसर, लॉ कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर, साइबर लॉ एक्सपर्ट, टीचर और लेक्चरर, लीगल प्रोफेशनल, लीगल एसोसिएट, पेटेंट एजेंट, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर। लॉ में करियर की अब असीम संभावनाएं हैं। अब ये फील्ड वकालत और जज तक सीमित नहीं रही है, इसमें दौलत और शोहरत दोनों बढ़े हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो सक्सेस मंत्रा में आज हम बात करेंगे, अगर आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपके लिए जरूरी है। टिप्स हम दिखा भी रहे हैं आपको। क्लैट सिलेबस आधारित मॉक टेस्ट से आप तैयारी करें। जिन सवालों को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं उनको आप पहले हल करें। जिनको लेकर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप उन्हें अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कई बार बेहद घातक हो जाती है। करियर जो है वो आप एडवोकेट बन सकते हैं। जुडिशरी में अगर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ और पेपर्स पास करने होते हैं, उसके बाद आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं, जज बन सकते हैं। कंपनीज में आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। अलावा उसके साइबर क्राइम क्योंकि दिन ब दिन बढ़ रहा है तो साइबर एक्सपर्ट भी आप बन सकते हैं। लेकिन बेसिक जो LLB है वो आपके लिए उसके लिए भी जरूरी होती है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं कि लॉ में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं 01204990018 01204990019। इन दो नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान नरेश ग्रोवर जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका स्टूडियो में। तो नरेश ग्रोवर जी से आप लॉ से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उससे पहले नरेश जी हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, लॉ में अगर जाना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास। 12वीं के बाद आप जाते हैं, आप ग्रेजुएट होने के बाद भी जाते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या रहता है और क्या आगे करियर में भी इसको लेकर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, जहां तक सवाल है कि आगे करियर में कोई फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लॉ के कोर्सेज 2 तरह के हैं। एक तो 12वीं कक्षा के बाद होता है जी, वो 5 साल का रहता है। हाँ। उसको हम इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स बोलते हैं। ओके। क्योंकि वो कई तरह के कोर्सेज जैसे BA LLB, BCOM LLB, BB LLB, तो उसमें ग्रेजुएशन भी रहती है और लॉ का कोर्स भी रहता है। ठीक है, इस पे आगे मैं जवाब लूंगी आपसे। सहारनपुर से अर्चना हमारे साथ जुड़ गई। अर्चना स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए अपना। अर्चना आप सुन रही हैं हमें? जी मैम। जी सवाल पूछ सकती हैं आप अपना। मैम नमस्कार। मैम जी नमस्ते। हेलो मैम, मैंने 2012 में प्लस टू किया था। तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं अभी एडमिशन ले सकती हूँ लॉ में? 2012 में, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी है क्या?
ड्रॉप अच्छा ठीक है, तो ड्रॉप जो ये गैप पीरियड है ये क्या कर देखिए, सकते हैं? जनरली 20 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम में, क्लैट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अभी पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने 20 साल के ऊपर के बच्चों को भी अलाउ किया है, लेकिन वो जजमेंट अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उसका 17 जुलाई 2017 को अभी फैसला आना है, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट ने और जो क्लैट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने इन बच्चों को अलाउ किया है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन बट इट इज़ सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच ठीक इज़। है। तो अर्चना 2017 17 जुलाई यानी लगभग महीने डेढ़ महीने बाद ही ये फैसला आ जाएगा, तो इस पर थोड़ी नजर रखिएगा और हो सकता है कि आप जैसे और ढेरों लोगों के लिए ये ऑप्शन खुल जाए कि 20 से ज्यादा अगर उम्र है तो भी वो कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद नरेश जी करते हैं LLB, तो उसमें ग्रेजुएट तो चूंकि आप हो गए हैं तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लॉ की पढ़ाई रहती है आपके लिए। जी, ग्रेजुएशन करने के बाद जो लॉ का कोर्स है वो 3 साल का रहता है, इट इज़ फॉर 3 ईयर्स। तो जिन बच्चों ने 12वीं के बाद लॉ नहीं की और उनको लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट है तो ग्रेजुएशन के बाद भी 3 ईयर्स LLB डिग्री कर सकते हैं। ठीक है। और कोई यस, स्पेसिफिक अगर वो करना चाहते हैं, जैसे आजकल साइबर लॉ का बहुत क्रेज है या फिर कंपनी मामलों का भी सब कुछ उसी में समाप्त हो जाता है, या अगर स्पेशलिटी आप करना चाहते हैं किसी चीज में तो फिर आप उन कोर्सेज को और आगे करते हैं फर्दर। देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो जब आप LLB कर रहे होते हैं और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और आप उसमें स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो लास्ट के जो 2 ईयर्स हैं उसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका है कि आप LLB करने के बाद आप LLM करने के लिए भी जा सकते हैं जो 1 साल या कहीं कहीं 2 साल की है, और उसमें भी आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में LLM कर सकते हैं। LLM जो है वो यूजली क्या टीचिंग के लिए होता है? जनरली जो लोग एकेडमिक्स में या रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं LLM उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बट LLM करने के बाद आप रिसर्च वर्क, पेपर राइटिंग, बुक्स राइटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, इफ़ यू वांट टू बी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, तो डेफिनेटली LLM की जो डिग्री है उसमें काफ़ी आपको मदद करती है क्योंकि आपका एक जुडिशरी स्पेशलाइज में स्पेशल। जाने के लिए आपको और किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और क्या आप कहीं से भी स्टूडेंट हैं तो कहीं के भी जुडिशरी सिस्टम के लिए आप एग्जाम्स दे सकते हैं क्या? जनरली आप एग्ज़ाम तो देश भर में किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। आप जिस स्टेट के जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज से आपको वाकिफ होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में नॉलेज या थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुजरात से हैं या आप आंध्रा से हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा स्टेट टू स्टेट वैरी हो जाता है, अदरवाइज देर इज़ नो बार। आप किसी भी स्टेट में जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में अगर आपकी LLB डिग्री है तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है सर। अनुष्का एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से, स्वागत है अनुष्का, क्या है सवाल आपका? सर मैं अनुष्का हूँ, मैं नमस्कार। 10 साल से BSc ऑनर्स कर रही हूँ और मुझे DO LLB के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ? देखिए DO LLB की तैयारी करने के लिए इसमें 4 पार्ट्स में या 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक एरिया है इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जिसमें इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी पे फोकस रहता है। दूसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसपे बहुत ही DO LLB के लिए बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 10 प्रश्न जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, तो वो 10th लेवल का मैथमेटिक्स आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तीसरा लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो कि बहुत ही आवश्यक है, जिसमें 30 से 35 प्रश्न 175 में से पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से, तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग पे आप फोकस करें। और चौथा जो है वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की नॉलेज आप रखें। और पांचवा पार्ट है कि क्योंकि ये लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है तो बेसिक लॉ के कंसेप्ट्स, एडवांस नहीं, बेसिक लॉ के कंसेप्ट्स और आपकी लीगल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, उस पे आप ध्यान दें। तो ठीक ये है सर। 5 विषय हैं जिन पे आप तैयारी करना शुरू करें।
नरेश जी, अगर जुडिशरी में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो पहले वो LLB करेंगे, फिर LLM वो करेंगे, उसके बाद वो जुडिशरी के लिए अलग से जो प्रिपरेशन है उसमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जुडिशरी में जाने के दो तरीके हैं। एक तो उसमें LLM करना आवश्यक नहीं है, ओके, LLB की डिग्री आवश्यक है। ठीक है, LLB के बाद डायरेक्टली आप सिविल जज का एग्जाम देके जुडिशरी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, या जो लोग कुछ साल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसमें 7 साल का जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है LLB डिग्री के बाद प्रैक्टिस का, तो वो लोग हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। ओके okay. तो वो जो पेपर पास करना बड़ी चुनौती रहती है, बिल्कुल, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जो रेफरेंस बुक्स हैं उनका, या फिर जो आपने सिलेबस पढ़ा उसको सम अप कर लेना चाहिए? कैसे बढ़ना चाहिए तैयारी में आगे? देखिए, हर स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम का अपना एक सिलेबस और पैटर्न रहता है। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप उस सिलेबस और पैटर्न को देखें, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू करें। जो जो से सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप एक्सपर्टीज करें, और हर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आप शुरू करें उसके बेयर एक्ट से, उसके कंसेप्ट्स, उसको अंडरस्टैंड करें। उसमें लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस आए हैं, जजमेंट्स आए हैं, उनको देखें, लेटेस्ट जजमेंट्स के टच में रहें, और साथ में जो बर्निंग लॉ के टॉपिक्स हैं, जो अभी करंट इवेंट्स में हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, उन पे भी अपनी पैनी नज़र रखें, और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना शुरू ठीक है करें। सर। दिल्ली से एक और दर्शक सूरज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या है सवाल सूरज जी आपका? यार, गुड आफ्टरनून सर। सर, अभी ना मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है BA से, तो मैं लॉ की पढ़ाई को आगे परस्यू करना चाहता हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसकी एंट्रेंस की जो तैयारी है वो मैं कहाँ से, लाइक कौन से इंस्टीट्यूट से करूँ? बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो कुछ लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो मुझे यही पूछना है कि कौन से फैकल्टीज इसके लिए बेस्ट रहेंगे। देखिए, इंस्टीट्यूट का चयन करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करें जो लॉ या जुडिशरी में स्पेशलाइज्ड हो, जिनको पिछले कई सालों में नेशनल एजुकेशन एक्सलेंस रिलेटेड कुछ अवार्ड्स मिले हुए हों। वहाँ की फैकल्टी जो हो वो लॉ में स्पेशलाइज्ड हों, लॉयर्स हों, या वो जजेस रह चुके हों, या वो लीगल प्रोफेशनल्स हों और उनको लॉ की नॉलेज हो। और इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट जहाँ के बैच साइज छोटे हों, जैसे जो 30 या 40 बच्चों को ही पढ़ाते हों, उससे ज़्यादा बच्चे एक बैच में ना हों, और वो हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दे सकें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप भी लॉ एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ज्योति एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है मध्य प्रदेश से। स्वागत है ज्योति जी, क्या है सवाल आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं बीटेक कर रही हूँ अभी, मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है। ओके गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति, टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम करके आप सवाल पूछ लें ज्योति। हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। हेलो ज्योति, टीवी का वॉल्यूम जब तक रहेगा हम सुन नहीं पाएंगे आपको। चलिए, मैं बीटेक कर रही हूँ, मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है। हाँ मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है, मैं अब स्टेट एग्जाम फाइल कर सकती हूँ। किसका एग्जाम? नहीं समझ पाए हम। अगर फिर LLB भी में जाना चाहते हैं तो शायद बीटेक कोई मैं इनके हर्डल नहीं लिए, है। हाँ, कुछ मैं बताना चाहूँगा। बीटेक के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं लॉ करने के लिए, लेकिन बीटेक स्टूडेंट्स के लिए IIT से एक खास तरह की LLB है, वो है LLB ऑनर्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्योंकि इनके पास बीटेक की डिग्री है और साइंस बैकग्राउंड और लॉ बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, मार्केट में बहुत डिमांड में है, तो अगर ये चाहें तो IIT से LLB ऑनर्स कर सकते हैं, जो डिग्री पूरे इंडिया में किसी और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में नहीं दी जा रही। ठीक है, अलावा इसके अगर आप कुछ एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने LLB या LLM अभी किया होगा, लेकिन चूंकि एरिया ये बहुत वास्ट है, आप कंपनी मामलों में जा सकते हैं, अलावा इसके आप क्रिमिनल जो है उसमें जा सकते हैं, आजकल साइबर का क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि यूजेस बढ़ रहा है, तो उसको लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे छात्रों को?
देखिए, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि छात्रों का जिस एरिया में या तो बैकग्राउंड रहा है या इंटरेस्ट रहा है, उसी एरिया में स्पेशलाइज करें। फॉर एग्जांपल, जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और या जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो साइबर क्राइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि साइबर क्राइम कैसे होता है, हैकिंग कैसे होती है, वायरस, ट्रोजन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये किस तरह से इन्फिल्ट्रेट की जाती हैं, इनके जो करने वाले हैं वो ऑफेंडर्स किस टाइप के होते हैं और कैसे करते हैं, अगर ये टेक्निकल बैकग्राउंड भी उनका होगा तो वो बहुत अच्छा इसमें आगे जा पाएंगे। इसी तरह से जो लोग टैक्स कंसल्टेंट्स बनना चाहते हैं और उनका बीकॉम बैकग्राउंड रहा है या टैक्स बैकग्राउंड रहा है, या जो लोग सीए सीएस भी हैं, वो लोग उसी एरिया में टैक्सेशन में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में स्पेशलाइज करें। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैंने बताया, जो लोग बीटेक या अदरवाइज बीएससी डिग्री जिनके पास है, वो पेटेंट एजेंट बन सकते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो है जिस बैकग्राउंड में आपका स्पेशलाइजेशन या नॉलेज रही है, अगर उससे रिलेटेड आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे तो लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। जी, अनीशा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हैं। स्वागत है अनीशा, सवाल पूछ लीजिए अपना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल ये है कि हमने क्लास का एग्जाम दिया था, उससे मेरे 53.50 मार्क्स आए, तो हमें आगे मतलब क्लास की तैयारी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के एडमिशन ले लेना चाहिए? मेरी एज अभी 17 हुई है। आपके क्लैट में 63 मार्क्स आए हैं? 53 मार्क्स हैं। ओके, देखिए, मतलब निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग की वजह से इसमें कम हो, क्योंकि मेरी 80 सही थी बट 53.5 है। मैं समझ रहा हूँ, ये स्कोर इतना अच्छा तो नहीं दिखता कि कोई चांस तो नहीं दिखता कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में अभी इस साल एडमिशन मिल पाएगा, लेकिन अगर आप मतलब चाहते हैं, अगर हम दोबारा से क्लैट की अभी करते हैं तो कहाँ से कोचिंग करनी, क्योंकि मैंने भी कोचिंग नहीं करी थी। ओके, मतलब क्रैश कोर्स किया था लेकिन वो भी इतना अच्छे उससे नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा गलती 12वीं क्लास के 12th क्लास के स्टूडेंट से यही होती है कि अपना एक टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो नहीं कर पाते, क्योंकि 12th में उनके पास बोर्ड का प्रेशर रहता है, बोर्ड के एग्जाम्स का। तो कई बच्चे जिनका लॉ में काफ़ी डीप इंटरेस्ट होता है, वो 11वीं कक्षा से ही या 11th क्लास से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, ताकि 12th क्लास में उनके ऊपर बर्डन या प्रेशर ना रहे। या अगर आप एक साल पहले भी इसकी एडवांस में तैयारी करें, जैसे ही 11th क्लास के एग्जाम्स हो जाएं, उसमें समर वेकेशन का एक दो महीने का पीरियड होता है। जैसे कि मैं एक जूरिस अकेडमी नाम के इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वहाँ हम लोग मई और जून के महीने में जब समर वेकेशंस होती हैं, 11th क्लास स्टूडेंट्स जो 11th कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनका 2 मंथ्स में ही सिलेबस कवर कर देते हैं। और उसके बाद स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हम लोग वीकेंड बैच जो है सैटरडे संडे रन करते हैं। तो आप भी अपनी प्लानिंग इस तरह से बनाएं कि एक साल पहले ही तैयारी शुरू कर लें, अगर आपका अगले साल भी इंटरेस्ट है तो। तो और उसके बाद जैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट जल्दी क्रैश कोर्सेज के लिए जाते हैं, तो हम लोग जो एक साल के स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा साल प्रिपेयर करते हैं, और जैसे ही उनके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तब उनको रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नागेंद्र सिंह नेगी हैं हिमाचल से। स्वागत है नागेंद्र जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। नमस्कार मोनाक्षी जी, मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकार घाट मंडी हिमाचल प्रदेश। जी नमस्ते सर, सवाल पूछ लीजिए अपना। मेरा ग्रोवर साहब से ये सवाल है कि क्या प्लस टू करने के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से भी कोई इग्नो वगैरह कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से लॉ में एडमिशन ली जा सकती है? जैसे मैं एक लेखक हूँ, संपादकीय लेख और दूसरे लेख अखबारों में छपते रहते हैं, तो मैं पंचायती राज रूल एंड एक्ट के ऊपर भी लिख रहा हूँ, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल पाएगी अगर मैं लॉ अगर नहीं कर पाऊंगा तो। ओके, इस तरह के मतलब कोई ओपन यूनिवर्सिटी है तो उसको एड्रेस दे दीजिए। ठीक है सर। देखिए, जो लॉ है वो एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशनल कोर्सेज जनरली डिस्टेंस लर्निंग से या कोरस्पोंडेंस नहीं होते, क्योंकि एक इसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ये कोर्स है। तो माफी चाहूंगा, क्योंकि कोरस्पोंडेंस से या लेकिन वे आउट क्या है? अब जैसे इन जैसे और भी बहुत लोग हो सकते हैं, तो ऐसे में वे आउट क्या है? आप एडमिशन लें, क्लासेस कम जाएंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, तो वैसे एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी। हाँ, तो कोई रास्ता इनके लिए? इनके लिए रास्ता मुझे नहीं लगता, क्योंकि लॉ और मेडिसिन दो ऐसे प्रोफेशन है जिसमें मुझे लगता है, क्योंकि आप किसी भी जान के साथ खेलते हैं,
किसी की लाइफ के लिए आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये कोर्सेज रेगुलरली ही करने चाहिए, दिल लगा के करने चाहिए और एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहिए, इसीलिए ये कोर्सेज कोरेस्पोंडेंस से नहीं होते, नहीं होते। हाँ, अगर ये जिस तरह का लेख लिखना चाह रहे हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग से कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। इसमें लॉ की डिग्री जरूरी नहीं है। अगर एक पर्सन है जो अपने एरिया में एक्सपर्ट है और उसके पास LLB डिग्री नहीं है और वो उसमें कुछ लिख रहे हैं और उन्होंने अच्छा लिखा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनको मान्यता नहीं मिलेगी, और लॉ की डिग्री उसमें जरूरी है। जी, जैसे अभी अनिशा से हम बात कर रहे थे, अनिशा ने कहा कि उनके मार्क्स अच्छे आ सकते थे शायद थोड़ा और, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो गई, उस वजह से एक नुकसान हो गया। तो इस तरह के कई सवाल हैं बच्चों के। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लें। संजय है हमारे साथ, स्वागत है संजय जी, सवाल पूछ लें अपना। जी, बीटेक LLB कर रहे हैं, और उसमें जो स्कोप है वो दो तरह का हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। एक तो साइबर लॉ में, क्योंकि जिनका साइंस बैकग्राउंड है या जो लोग बीटेक किए हुए हैं उनको कंप्यूटर साइंस में अच्छी नॉलेज होगी, तो साइबर क्राइम में अपना करियर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि बहुत ही वास्ट और बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ एक एरिया है जिसमें अपना करियर बना सकते हैं। अदरवाइज बीटेक LLB करने के बाद कॉरपोरेट लॉ में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तीन चार एरियाज में और नाम लेना चाहूँगा, जैसे क्योंकि इनका साइंस बैकग्राउंड है, एक है मैरीटाइम लॉ जिसमें टेक्निकल बैकग्राउंड होना बड़ा जरूरी है, और दूसरा एरोस्पेस लॉयर्स, जिनकी काफ़ी कमी है हमारे पूरे वर्ल्ड में इस तरह के प्रोफेशनल्स की, कि इसमें डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो इन एरियाज में अगर आपकी बिटिया या आपके बच्चे स्पेशलाइज करना शुरू अभी से कर दें, शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, एरोस्पेस हो गया, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी या टेली कम्युनिकेशन लॉस के ऊपर, वो ज़्यादा अच्छा जानकारी हासिल कर सकते हैं क्योंकि बीटेक बैकग्राउंड है। तो इन चार पांच एरियाज पे, जो साइबर क्राइम, टेलीकॉम, सेटेलाइट, एरोस्पेस, मैरीटाइम लॉ एंड साइबर लॉ, इन पे वो फोकस करें तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, असम से एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, कन्हैया लाल जी, स्वागत है कन्हैया जी आपका, सवाल पूछ लीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून। सर, मेरा एक सवाल है। जी, मैं LLB 4th सेम कर रहा हूँ। ओके। और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके आगे मेरा क्या स्कोप रहेगा, मतलब क्या अच्छा रहेगा लॉ में, किस तरफ जाने से LLM करो या फिर एडवोकेट बनो, क्या बनो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ। ओके। क्या करने से मेरा बेटर रहेगा? ओके, देखिए ये आपकी चॉइस आपके इंटरेस्ट पे है, लेकिन लॉ करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर आप देखें हमारे देश में अभी तक 13 प्रेसिडेंट्स रहे हैं, तो उसमें से 9 प्रेसिडेंट्स हमारे लॉ बैकग्राउंड से थे। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी लॉ बैकग्राउंड से थे, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी भी लॉ बैकग्राउंड से थे, जितने हमारे अभी पिछले 3 सेशंस के फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं वो सारे लॉ बैकग्राउंड से हैं। तो लॉ बैकग्राउंड अगर आपका है तो उसमें करियर की कमी नहीं है। देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते। तो देखिए, लॉ के बाद सिर्फ लॉयरिंग या एडवोकेसी या जजेस के अलावा और भी ऑप्शंस अभी तो काफ़ी सारे आपको बताए गए। आप कॉरपोरेट लॉ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अगर आपका बिजनेस लॉ स्ट्रॉन्ग है, टैक्सेशन लॉ स्ट्रॉन्ग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ स्ट्रॉन्ग है, तो आप कॉरपोरेट लॉ में करियर बनाने की कोशिश करें। अभी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में सेटअप हुई हैं और हो रही हैं। आप नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में उनके बिजनेस प्रोसेसेस में लीगल एसोसिएट्स बन सकते हैं। आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप लेक्चर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप LLM करके और आगे रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा एडवोकेसी में भी बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे अगर आप प्रॉपर्टी में स्पेशलाइज करना चाहते हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशलाइज करना चाहते हैं या आप टॉर्ट में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं या कि सिविल साइड जाना चाहते हैं, और आपका तो वैसे भी कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आप कमर्शियल लॉज में भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है सर, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। हेमलता कानपुर से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है हेमलता जी, क्या है सवाल आपका? जी, मैंने BSc एलएलबी कर रखा है, मेरा हाल फिलहाल फाइनल ईयर है, मैं ये जानना चाहती हूँ आगे मैं क्या करियर बना सकती हूँ। BSc LLB किया है इन्होंने। ओके,
बहुत सारे करियर ऑप्शंस अभी हमने साइंस स्टूडेंट्स के लिए बताए, बट उसके अलावा जो मैंने डिस्कस नहीं किया वो है जुडिशियल सर्विसेज के लिए। अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपका बीएससी बैकग्राउंड भी रहा है और आपने एलएलबी भी की है, तो आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी अभी से शुरू कर दें। और एक इफ़ यू एस्पायर टू बी अ जज, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट इसके अलावा भी बहुत सारे लॉ में ऑप्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उनकी तरफ भी जी देख सकते हैं। नरेश एक और दर्शक हैं उड़ीसा से और हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी दर्शक हैं। नरेश जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। नरेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ मैं सुन जी पा रहा सवाल पूछ लीजिए सर, जल्दी से। हेलो, जी सर सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, सवाल सर। हेलो, सर सुन रहे हैं हम आपको, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी मैडम, मैं सर से पूछना चाहता हूँ जी, मेरे कौन नंबर चेक किया था ये, कौन सी वर्क कैसे किया था, लोअर कोर्ट में जीता हूँ, केस हाई कोर्ट में चल रहा है। हेलो जी सर, हम सवाल नहीं समझ पा रहे हैं सर आपका, जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं समझ पाए, माफ कीजिएगा नरेश जी, बहुत शुक्रिया। कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, शायद वो समझा नहीं पाए हमें। फाइनल टिप्स सर फटाफट से हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले आप अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाएं, और अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास के बाद आप क्लैट में अपियर होना चाह रहे हैं, तो 1 साल या 2 साल पहले ही अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखें, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं जी उनके ऊपर बोर्ड के एग्जाम्स का प्रेशर भी रहता है हाँ, और और लॉ ये भी एंट्रेंस का रहता भी है। प्रिपरेशन रहता है। इसी तरह से जो फाइनल ईयर ग्रेजुएट जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो भी तैयारी अपनी पहले से ही शुरू कर दें, ताकि क्योंकि जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम आता है तो आपके अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी होते हैं, जी ताकि जी वो क्लैश ना करें। तो अपनी बिल्कुल तैयारी शुरू से ही आरंभ करें, ताकि आपको अपने एग्जाम्स का प्रेशर ना झेलना पड़े। जी बहुत शुक्रिया नरेश ग्रोवर जी, आप जुड़े हमारे साथ स्टूडियो में वक्त निकालकर, धन्यवाद आपका। तो आज के लिए सक्सेस मंत्रा में इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।